हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में स्पेशली यूपीएससी का हाइप बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्यों होता है? यूजुअली कुछ लोगों को लाल बत्ती नीली बत्ती का जलवा होता है, कुछ लोगों को बड़े घर का होता है। आईपीएस बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया? फैमिली से दूरी। अब सर्विसेज में आने के बाद लगता है कि अच्छा इसका तो इतना जलवा है। बहुत ही स्वीट रिक्वेस्ट थी, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया था और उसने ये कहा था कि मुझे मोदी जी से मिलना है। एक सपोर्टिव फैमिली का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? ब्रिटिश माइंडसेट है जहाँ पे आईएएस आईपीएस को बहुत बड़ा और वो क्या राजशाही टाइप माना जाता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स वी रियलाइज़ कि यार ये क्या कर रहे हैं। हस्बैंड्स आइडिया, उन्होंने कहा अपन चल के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो सरप्राइजिंगली फ्यू ऑफ माई बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स हु सेड कि पुलिसिंग मे नॉट सूट योर पर्सनैलिटी। कुछ लोग होते हैं ख्याल में ज़्यादा चले जाते हैं। ये होता था कि मतलब अब इंटरव्यू में ये बोलेंगे, अभी प्री क्लियर नहीं हुआ है, पर दिमाग इट इज़ वेरी नेचुरल। जब आप इस तरीके के तो अपने आप को फोकस्ड रखना है हमेशा। जब भी फेल होते हैं रोना इज़ नेचुरल, बट रोने से अलावा ये टाइम ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कैसे प्री से मेंस इंटरव्यू वापस नेक्स्ट प्री आ जाता है। तो आप ये एग्ज़ाम आपको रोने का भी टाइम नहीं देता। किसी कैंडिडेट को, किसी एस्पिरेंट को कितनी बार ट्राई करना चाहिए? हमेशा कीप अ प्लान बी इन योर माइंड कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या कर लेंगे। इसको ईगो पे नहीं लेके जाना है। जब हम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स की बात करते हैं उसमें किस तरह का प्रेशर होता है? कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर भी इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए, अब वो भले पर्क्स हो या नाम चाहिए हो या एक्चुअली लोगों की सेवा करना हो, जो भी आपका गोल है उस गोल को दिमाग में रखेंगे हमेशा कि मैं इसके लिए तैयारी किया था और मुझे ये करना है। 140 करोड़ की आबादी सुकून से सो सके, चैन से ज़िंदगी बिता सके, इसलिए कई लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। आज उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर जो हैं वो हमारे साथ हैं, जिनका नाम है अनुकृति शर्मा। तो अनुकृति, वेलकम टू स्विच। थैंक यू सो मच स्वर्णा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे आपको भी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, कैन विमेन हैव इट ऑल? ऑफ कोर्स वुमेन कैन हैव इट ऑल एंड हैव मच मोर देन व्हाट एनीथिंग हैज़ टू ऑफर। हम महिलाओं की जब बात करते हैं, हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी लाइफ में जो जेंडर इनइक्वालिटी होता है कभी फील किया है, कभी फेस किया है? कोई ऐसा पहला एक्सपीरियंस रहा हो आपका? आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। मैं ऐसे परिवार में रही जहाँ पे मतलब मेरी दादी भी टीचर थी और मेरी मॉम भी वर्किंग प्रोफेशनल थी, मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो मैंने इस तरह का कभी भी फेस नहीं किया। इनइक्वालिटी हुआ होगा तो शायद मेरे ब्रदर्स को फेस करना पड़ा होगा क्योंकि आई वॉज़ द लव्ड वन। और मेरे घर में हमेशा मुझे कभी भी इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं थी कि आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं या नहीं, तो उस तरह की चीज़ फैमिली वाइज तो आई वॉज़ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आई वॉज़ इन IRS कस्टम्स earlier, मेरा IRS कस्टम्स में हुआ था 2018 में। 2020 में जब मैंने वापस एग्ज़ाम दिया तो मेरा IPS में हुआ। उस टाइम देयर वर फ्यू पीपल, सरप्राइजिंगली फ्यू ऑफ माय बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स हु सेड कि पुलिसिंग मे नॉट सूट योर पर्सनैलिटी। मतलब पुलिस प्रोफेशन IRS इज़ बेटर फॉर यू। देखो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, उसके अंदर लड़कियों के लिए अच्छा जॉब है, और क्या तुम पुलिस में जाए, तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। आई वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज क्योंकि आप किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जो ऑलरेडी सर्विसेज में आते हैं या जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस तरह की बात करें तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो बट नॉनदलेस मेरे को तो लेना ही था और उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं था। तो दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई फेल्ट दैट नो मैटर हाउ एजुकेटेड यू आर और वे यू आर इन लाइफ, आपके कई बार मतलब नोबडी इज़ टू बी ब्लेम फॉर इट, एवरीवन हैज़ सीन दिस के एंड वो ऐसे ही सोच रहे थे थिंकिंग कि जो फैमिली रेजिंग का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो वुमेन पे होता है और उसको घर पे ध्यान देना होता है। 9 से 5 वाला जॉब है या जो कि इस तरह का टफ़ जॉब नहीं है, वो ज़्यादा सूट करेगा। और उसमें ये भी है कि इन जनरल आप जब बोलते हो, आप शालीन हो या फिर मेरा कल्चर्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो डांस में और इन सब में, तो तेरी पर्सनालिटी शायद पुलिस को, आई डोंट नो व्हाट पर्सनालिटी दे मेंट कि पुलिस में इस तरह का आदमी होना चाहिए। हमारा तो हम आगे शायद बात करेंगे इस बारे में। पुलिसिंग तो ऐसा जॉब है जहाँ पे हम लोग वी आर इनटू अ ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्स टू सर्विस एंड यू नीड पीपल हु आर मोर सेंसिटिव, हु आर मोर इमोशनल एंड हु कैन नाउ स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स कि लोगों का विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के ऊपर बढ़े। तो ये दैट वाज द ओनली टाइम। तो क्या सच में मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं सोसाइटी में वो महिलाओं को सीरियसली नहीं लेते? मतलब ऑब्वियसली आप जिस पोजीशन पर हो उस पोजीशन पर तो लोग लेते हैं क्योंकि पोजीशन हाँ. की वजह से, बट इन जनरल अगर हम बात करें सोसाइटी में तो लोग महिलाओं को उतना सीरियसली नहीं लेते। हाँ, मतलब दिस आई हैव फेस्ड, नॉट आई हैव नॉट फेस्ड, आई हैव सीन दिस कि जैसे मान लो प्रॉपर्टी डिस्कशंस होते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका यही है प्रधान पति वाला। तो आप जब प्रधान महिलाएं चुन के आती हैं तो इन जनरल हमारी मीटिंग्स में भी प्रधान पति आते हैं। द फर्स्ट थिंग आई से इज़ कि आप पहले प्रधान आएंगी तब हम आगे की बात करेंगे। शी नीड्स टू कम फॉरवर्ड। वो चुनाव जीत के आई है तो, पर उनको ये होता है अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो उसमें उतना विश्वास नहीं करते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि महिलाओं को खुद पे भी विश्वास नहीं है। मतलब दे फील कि वो डिसीजन नहीं ले पाएंगी या ये इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा। एक आत्मविश्वास की इन जनरल कमी है क्योंकि शायद वो मौके मिले नहीं हैं, तो इसलिए इस तरीके का है। धीरे धीरे आई थिंक जब फील्ड में जाने लगती हैं लड़कियाँ, इट्स वेरी सिंपल। जब आपके साथ भी हुआ होगा, शुरू शुरू में जब हम कार चलाना सीखते हैं, एक्टिवा चलाना सीखते हैं तो डर लगता है कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कैसे जाएंगे, किसी को लगना अरे हमें ना लग जाए। तो पर जब हम जाना शुरू करते हैं ओनली देन यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस कि ये इतना भी टफ नहीं था। धीरे धीरे आई थिंक माहौल बदलेगा। और मैं इसी में बात करूँ, जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसको लेके जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह से इस गैप को फिल कर सकता है? ब्यूरोक्रेसी तो मतलब हम लोग का हाईएस्ट लेवल पे तो आप देखेंगे जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है उसी में एक लाइन मेरे को बहुत कैची लगी थी। उसके अंदर ये लिखा था वी इनकरेज मोर एंड मोर वुमेन कैंडिडेट्स टू अप्लाई, है ना। तो वो चाहते हैं कि हम आए एंड इट्स अ लेवल प्लेइंग कॉम्पिटिटिव फील्ड। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोई रिजर्वेशन है या कुछ है। इन यूपीएससी स्टेट सर्विसेज में फिर भी वो रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं। तो और लड़कियां हर साल बढ़ती ही जा रही हैं। आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर क्वालिफाइंग यूपीएससी इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अपॉन अस, जो हम लोग आ गए हैं सर्विसेज में, कि हम लोग जो हमें वर्क प्लेस पर इनइक्वालिटीज़ दिखती हैं, मतलब हम ही अगर वर्क अलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर करें और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी, तो फिर हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है। नाउ दिस इज़ फॉर अस द लीडर्स टू डिसाइड कि आप क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे कि आपकी जितनी भी फीमेल स्टाफ हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। और ब्यूरोक्रेसी बहुत वाइड टर्म है। मैं पुलिसिंग पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ कि मैं फ़ीमेल और मेल सबऑर्डिनेट्स में को इक्वली ट्रीट करूँ। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो सरकार कितनी अनगिनत पॉलिसीज़ लेकर आ रही है ताकि महिलाएं आगे आएँ, तो वो अगर हम उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उसके ट्रू स्पिरिट में करेंगे तो आई थिंक धीरे धीरे जो गैप है वो कम होगा। जिस तरह से इतने पावरफुल पोजीशन पे अगर महिलाएं आती, जैसे आप हैं एक बहुत पावरफुल पोजीशन पर आप हैं, तो अगर इस तरह से और महिलाएं अगर इन पोजीशंस पर आती हैं तो जो सोसाइटी में चेंजेस हैं वो किस तरह से होंगे? डिपेंड करता है सर्विसेज टू सर्विसेज। जैसे मैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी जॉब। तो हम लोग जब निकलते हैं पेट्रोलिंग करते हैं तो जो बच्चे होते हैं उसमें जो लड़कियां होती हैं उनकी आंखें अपने आप यू सी अ शाइन इन देयर आइज़। उन्होंने ये देखा नहीं, उनको यूनिफॉर्म देख के, और उनको अगर एक फीमेल ऑफिसर दिखती है यूनिफॉर्म में तो अपने आप मतलब मुझे भी तो गूज़बम्स आ जाते हैं, दे पास अ स्माइल। तो आपको अचानक से अंदर बहुत अच्छा लगता है। जब आप आउटरीच करते हैं, जैसे मिशन शक्ति 4 में भी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप गांव-गांव जाके लोगों से मिलिए करिए, और ये मैं पहले अपने अंडर ट्रेनिंग टाइम से अपनी इच्छा से बहुत किया था। मैंने उस अभियान का नाम दिया था पुलिस माय फ्रेंड। तो गांव-गांव जाके मीटिंग करना, स्कूल में मीटिंग करना, तो उसका इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि जब आप अपना कन्वर्सेशन या इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं वो ख़त्म करते हैं तो, और तब आप पूछो कि किस किस को पुलिस में जाना है, तो 90% ऑफ द क्लास विल रेज हैंड क्योंकि वो उससे रिलेट कर पाते हैं। तो जब आप पावरफुल पोजीशंस में आते हैं तो यू गिव अ होप टू किड्स कि उन्हें ऐसा लगता है कि यू कैन बी एनीथिंग एंड ऑफ कोर्स दे कैन बी एनीथिंग। बस उनके पास एक एग्जाम्पल, शायद जैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था लैंड अप इन पुलिस। कभी नहीं सोचा था, इट जस्ट डेस्टिनी यहाँ तक लेकर आई। ये करियर ऑप्शन की तरह ही मैंने कभी नहीं देखा था। तो जब बच्चों के सामने हर तरह के एग्जाम्पल होते हैं, देसी वुमेन फाइटर पायलट, देसी पुलिस ऑफिसर, देसी डॉक्टर, टीचर, हर तरह का, तब उन्हें लगता है कि हाँ मतलब हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो ये और फिर हर तरह की महिलाएं आती हैं। आई वॉज मैरिड जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो ये जब मैं शादी करके आई थी और मैंने घर पे रह के तैयारी की थी, तो मतलब माय मदर इन लॉ वाज एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। तो उनको डिस्टेंट रिलेटिव ज़रूर ये कहती थी घर में कि बहू को एकदम सर पे चढ़ा रखा है, वो कमरे में बैठ के पढ़ती रहती है। तो अम्मा मेरे तक ये बातें कभी नहीं आने देती थी। द डे आई गॉट सेलेक्टेड, और माई जर्नी वॉज फुल ऑफ फेलियर्स ऑल्सो। तो फिर उन्होंने अम्मा को ही ये कहा कि चारू तू ही कर सकती थी। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो दैट बिकेम अ होप फॉर मेनी मैरिड वुमेन इन माय फैमिली एज वेल। हमारे भी जो दूर दराज के रिलेटिव्स हैं, नाउ दे वहाँ की जो बहुएं हैं, नई बहुएं जो आ रही हैं, दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि लाइफ डजंट एंड एट मैरिज, आप कुछ करियर करते हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल होने से द मैसेज गोज, और बस यही है। तो ये तो मेरा है, उसके अलावा अनगिनत महिलाएं, दे ऑल आर अ रे ऑफ होप। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि एक सपोर्टिव फैमिली का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? वेरी इम्पॉर्टेंट इट इज़। आपको अगर फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो इट बिकम्स अ लिटिल ईजी। देर आर पीपल इन माई बैच जिनके लिए मान लो सपोर्टिव नहीं होता है, इट इज़ नॉट नथिंग टू डू विथ फैमिली। कई बार आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है, फाइनेंशियली आप थोड़े वीक होते हैं, तो उस तरह की दिक्कत आती है। कोई पेरेंट ये नहीं चाहता उसके बच्चे अच्छा ना करे, सब लोग चाहते हैं, बट ये एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि फैमिली की तरफ से अगर आप अश्योर्ड होते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आर्थिक तंगी नहीं आएगी या कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो राह थोड़ी आसान हो जाती है, थोड़ा मेंटल प्रेशर ईज हो जाता है। मैं कह रही हूँ, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन था इस पूरे प्रोसेस में, पूरी जर्नी में? पेरेंट्स तो होते ही हैं। मेरी मम्मा अब नहीं है, मतलब वो कोविड डेल्टा वेव में एक्सपायर गई। मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, ये तो मेरा जो भाई था, तो यही लोग। अगर और मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं खरीदी, हम लोगों ने घर से तैयारी की थी, तो इन लोगों ने तो बेहद सपोर्ट किया। और शादी के बाद सिलेक्शन हुआ, मेरा पहला 4th अटैम्प्ट में हुआ IRS कस्टम्स पर। मैंने फिर अपने इन लॉज को बोला कि मुझे वापस देना है, तो दे कुड हैव सेड कि अब वापस एग्ज़ाम देके क्या करना है, तुम यू आर डिसेंटली प्लेस्ड, बट दे रियलाइज़ कि मुझे तो देना है और मैं उसके लिए फिर से एक साल EOL लेके तैयारी करना चाहती हूँ। दे डिडंट से नो, बोले तुम्हें जितना करना है तुम करो। तो वो होने से आसान हो जाता है, और नहीं हो तो भी हम करेंगे, बट थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, थोड़ा इजी हो जाती है लाइफ, इजी हो जाती है। यूपीएससी को लेकर मेरा ये क्वेश्चन था कि यूपीएससी ही क्यों? आपने बोला ना कभी सोचा ही नहीं था कि यूपीएससी में आप आओगे एंड कुछ होगा इस तरह से, यूपीएससी ही क्यों? तो यूपीएससी मेरे को लगता है डेस्टिनी में लिखा था। अदरवाइज मैं पहले साइंस में थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से मेरा BSMS 5 ईयर कोर्स था, और तब तक मुझे साइंटिस्ट बनना था। और मेरे को मैं और मेरे हस्बैंड कॉलेज में साथ थे, तो ये था US से ही PhD करनी है। उसके लिए भी काफ़ी मेहनत किया, 4-5 साल हमारी इंटर्नशिप्स बिल्कुल अलाइन थी। CGPA अच्छा रखा कि US की बेस्ट जगह से हम लोग PhD करें ताकि हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे रहें साइंस में। And after a lot of efforts, we finally went to US. वहाँ पे we started doing our PhD. After a few months, we realized कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो कर रहे थे that was very good for scientific inquiry. घर वाले बहुत खुश थे, और पर अंदर से थोड़ा सा लग रहा था। तो it was my husband's idea. उन्होंने कहा अपन चल के UPSC की तैयारी करते हैं। तो I was like कि मैंने कभी IS IPS के जलवे में भी नहीं रही थी, ना कभी सर्विसेज के। मेरे मम्मी पापा जबकि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पर घर में ऐसा कुछ वो नहीं था कि बड़े होके आईएएस बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा ठीक है करते हैं, और ये मतलब फिर देखना शुरू किया कि पढ़ाई कैसे करनी है। एंड सडनली ऐसा हुआ कि अब तैयारी वहाँ से एक बार ट्राई किया कि शुरू करें, बट वो US का PhD ऑलरेडी इतना एग्जॉस्टिव होता है कि उसमें आप टाइम नहीं निकाल सकते। वी हैड टू टेक अ डिसीजन, वी डिसाइडेड टू रिज़ाइन एंड कम बैक टू इंडिया। यहाँ पे आके फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की और ऐसा हो गया। हैविंग सेड दैट, यूपीएससी एक मतलब कोई भी सर्विस फॉर दैट मैटर, आप मीडिया में हो, मैं आईपीएस हूँ, ये सब माध्यम है टू अचीव एन एंड, है ना। एंड इज़ नॉट आईपीएस आईएएस, एंड इज़ क्या आपको, यू हैव टू गिव इट बैक टू सोसाइटी इन सम और दी अदर वे एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड दैट कैन बी डन थ्रू एनी करियर, एनी करियर। मतलब मेरे विचार में तो नो करियर इज स्मॉलर देन एनी अदर। टीचर का अपना वैल्यू है, डॉक्टर का है उतना है, साइंटिस्ट का इतना है, कार मैकेनिक, गार्डनर, लेबर, जिसको बोलो, तो दी वी ऑल आर लाइक स्पोक्स इन अ व्हील। एक तार टूटेगा, द व्हील विल नॉट मूव फॉरवर्ड। तो अगर किसी को ये डाउट भी है कि मैं बड़े करियर में हूँ और तुम छोटे में हूँ, तो वो इन माय ओपिनियन बेवकूफ़ है। तो आपको तो यूपीएससी हुआ, आई चोज दिस करियर क्योंकि मुझे लगा कि ये इंटरनली मुझे खुश करेगा, मुझे लोगों के बीच में काम करना था और ये एक ऐसा करियर है। अब जैसे संभल में हम लोग बैठे हैं, आप एकदम जो वो कहते हैं ना पंक्ति का जो अंतिम आदमी है वहाँ, उसके लिए कुछ करने का ये मौका देता है। हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में स्पेशली यूपीएससी का हाइप बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्यों होता है यूजुअली? अब नॉर्थ इंडिया में जयपुर भी आता है, मैं जयपुर से रहने वाली हूँ, तो मेरे को तो कभी हाइप नहीं लगा था। अब सर्विसेज में आने के बाद लगता है कि अच्छा इसका तो इतना जलवा है। तो पता नहीं, आई थिंक ये ब्रिटिश माइंडसेट है जहाँ पे आईएएस आईपीएस को बहुत बड़ा और वो नहीं क्या राजशाही टाइप माना जाता है। बट इट इज़, आई वुड से कि दिस इज़ इन माय ओपिनियन एक नॉर्मल सर्विस ही है, एक डिपार्टमेंट। मतलब आप ठीक है, लॉ बहुत ज़्यादा पावर है आपके पास, बट जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेट होती जाएगी ये चीज़ एक और कम होगा। क्या इसमें जो लोग मोटिवेट होते हैं इसको लेके, क्या जो इससे पर्क्स मिलते हैं क्या वो भी एक मोटिवेशन होता है लोगों के लिए? हो सकता है, आई थिंक सब लोगों का अपना अपना होता है। कुछ लोगों को लाल बत्ती नीली बत्ती का जलवा होता है, कुछ लोगों को बड़े घर का होता है। तो क्या क्या पर्क्स मिलते हैं इसमें अगर कोई हो तो? पर्क्स इन द सेंस, अब आप जैसे मान लो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स यू टू मूव टू एनी डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे जाके आपको अपनी सेवाएं देनी है। नाउ आई मूव फ्रॉम बुलंदशहर टू संभल, तो हर जगह तो मेरा घर नहीं हो सकता, तो एक सरकारी आवास हर गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, वैसे ही हम लोगों को मिलता है। हमारी जॉब डिमांड करती है कि हम लोग हर समय फील्ड के अंदर घूमें, तो ये एक्सपेक्ट करना कि हम लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से घूमे करें और उस पर बत्ती नहीं होगी तो कोई हमें हमारी गाड़ी को पास भी नहीं देगा। पास इसलिए नहीं कि भाई आईपीएस है तो उससे पास चाहिए, बट यू हैव टू रीच टू अ लोकेशन जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है या कुछ, तो वो एक सरकारी गाड़ी मिलती है। इसी तरह की पर्क्स रहती है जो एक नॉर्मल चीज़ होती है। आपने यूपीएससी की प्रेपरेशन की बात की, तो जो प्रेपरेशन में प्रेशर होता है उसको बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर कुछ बताएंगे किस तरह से हैंडल करना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं हर साल 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, बट जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी कम है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये एग्ज़ाम मोर देन द एग्ज़ाम ऑफ सिलेक्शन, मुझे लगता है एलिमिनेशन का एग्ज़ाम है। आप हर स्टेज पे लाखों लोग बाहर हो जाते हैं। मतलब 6 से 7 लाख प्रीलिम्स देंगे, फिर उसमें से 10-12 हज़ार मेन्स, फिर 2-2.5 हज़ार में आ जाएंगे। तो ये कैंडिडेट्स को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हर स्टेज इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये, और आप कहीं पे भी ईमानदारी से अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब है यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। ऐसे नहीं कि कई लोग मेरे से पूछते हैं 8 घंटा पढ़ लिया बहुत है क्या, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मी, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर पेरेंट्स। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ख्याल में ज़्यादा चले जाते हैं। ये होता था कि मतलब अब इंटरव्यू में ये बोलेंगे अभी प्री क्लियर नहीं हुआ है, पर दिमाग इट इज़ वेरी नेचुरल। जब आप इस तरह के, तो अपने आप को फोकस्ड रखना है हमेशा। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पिछले बार क्या पूछा गया है, उसके ऊपर अपना फोकस रख के एकदम पढ़ाई करते जाइए। और जब भी फ़ेल होते हैं, क्योंकि फ़ेल होने के चांसेस एग्ज़ाम में कहीं कहीं ज़्यादा है, जब भी फ़ेल होते हैं रोना इज़ नेचुरल, बट रोने से अलावा ये टाइम ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कैसे प्री से मेंस इंटरव्यू वापस नेक्स्ट प्री आ जाता है। तो आप ये एग्ज़ाम आपको रोने का भी टाइम नहीं देता। आप अगर 1 महीने रो लिए तो आपको लगेगा 1 महीना निकल गया, प्री वापस सर पे खड़ा है, तो इम्प्रूव कैसे करें। तो थोड़ा सा करके एंड देन टेक अ स्टेप बैक, अपना पूरा स्ट्रैटेजी रिवाइज़ करो कि वॉट आई कुड हैव डन बेटर इन दिस एग्ज़ाम। नो अटैम्प्ट इज़ अ परफेक्ट अटैम्प्ट। मैंने 2000 18 वाला एग्ज़ाम क्लियर किया, 2019 में मेरा प्री नहीं निकला। तो ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए और फिर आप प्री तो ऐसे ही निकाल लेंगे और मेन नहीं, हर स्टेज फिर आपको उतना ही मन से इस एग्ज़ाम में लगना पड़ेगा। आप कहीं पे भी रिलैक्स होंगे, इतना कॉम्पिटिटिव है, आप बाहर हो जाएंगे। तो जो प्रेशर वाली बात है, हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए, आप वो भले पर्क्स हों या नाम चाहिए हो या एक्चुअली लोगों की सेवा करना हो, जो भी आपका गोल है उस गोल को दिमाग में रखेंगे हमेशा कि मैं इसके लिए तैयारी किया था और मुझे ये करना है, मतलब एट एनी कॉस्ट मुझे एग्ज़ाम निकालना है, वॉट एवर इट टेक्स। और फिर अपनी स्ट्रैटेजी एनालाइज करना है, कहाँ आप लैक कर रहे हो। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, रीच आउट टू देम। सब लोग अपना इधर उधर वीडियो डालते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी डालते हैं। मैं भी उसी से सीखी हूँ, जो लोग ऑनलाइन अपना स्ट्रैटेजी डालते थे, कोचिंग तो किया नहीं था, उनको फॉलो करिए, लर्न फ्रॉम देम और फिर अपनी उसको करिए। तो इट माइट लीड टू सक्सेस, इट शुड। और नहीं भी करता है तो भी हताश नहीं होना है, हमेशा कीप अ प्लान बी इन योर माइंड कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या कर लेंगे। इसको ईगो पे नहीं लेके जाना कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ यू एज अ पर्सन, या तुम्हारी इंटेलिजेंस या कॉम्पिटिटिवनेस का टेस्ट नहीं है ये, ना ये तुम्हारे ऊपर कोई ठप्पा लगाता है। बस ये एग्ज़ाम है जिसकी अपनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, आप वो क्लियर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस उसको दिमाग में रखें और मन से तैयारी करें। ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसमें कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, हर जगह पर जो कोचिंग हब है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और लोगों को एक अंदर में रहता है ना कि अगर हम कोचिंग नहीं गए हमारा क्लियर नहीं होगा, ये रहता है। क्योंकि ऐसा लगता है एवरीथिंग अंडर द सन इज यूपीएससी सिलेबस, कुछ भी पूछ सकता है, तो लोगों को डायरेक्शन लेस फील होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि कोचिंग इज़ अ बेटर प्लेस। और मैं ये नहीं कहूँगी कोचिंग ख़राब है या नहीं है, जिन लोगों ने कोचिंग किया होता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। आपको बेसिकली एक डायरेक्शन चाहिए। अब मेरे लिए वो कोचिंग का माध्यम बना जब मैंने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ ऑनलाइन देखे और उनकी स्ट्रैटेजीज़ ऑनलाइन पढ़ी, तो मैं वहाँ से कोच हुई। उन लोगों ने मुझे बताया कि ये, मतलब डायरेक्टली नहीं बताया, उससे मुझे एक डायरेक्शन मिला तैयारी करने का। और जब मेरा पहला अटेम्प्ट में, मतलब मेंस दिया था मैंने, तो मुझे लगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ और इसी में आप लग के तैयारी करनी है। वो आपको अगर कोचिंग, और कई बार सेल्फ डिसिप्लिन की कमी लगती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि मैं 4 घंटे नहीं दे पाऊँगा, कोई मुझे बता दे, कोई कुछ पढ़ दे, या एक मेरे को एक ग्रुप मिल जाएगा तो पढ़ाई हो जाएगी। जिसको जैसा लगे उसको वैसा करना चाहिए। किसी कैंडिडेट को, किसी एस्पिरेंट को कितनी बार ट्राई करना चाहिए और कब ऐसे कर लेना चाहिए कि अब नहीं, ये आखिरी बार हो गया, अब इसके बाद नहीं? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग 7-7 साल, 8-8 साल इसमें, जब तक खुद से गिव अप ना हो जाए। मतलब आपको अगर 2 साल बाद ही लगता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड अनसर्टेन, तो उसको बर्बाद ना करें। आपको अगर लगता है कि नहीं, अब 2 साल दे लिया अब मैंने, नाउ आई एम हेडेड टू समथिंग एल्स एंड आई कैन डू समथिंग बेटर, गो अहेड। नो करियर एज आई सेड स्मॉल। और तो जो जिसको जैसा ठीक लगे उसको, ये बहुत ही सब्जेक्टिव और पर्सनल चीज़ें होती हैं। बट जब आप 7वें, 8वें, 9वें अटैम्प्ट में, मेरे ख्याल से तो जब आपका 3-4 बार हो जाता है, जैसे मेरा 4th अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, बट मैंने तैयारी तो अपनी चेंज नहीं करी, तैयारी यूपीएससी की ही रखी, पर मैंने कुछ स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम में दे दिए थे उसी तैयारी के साथ ही कि चलो कुछ कर लेंगे। कुछ नहीं होता तो मैं शायद अपना एक प्राइवेट स्कूल खोल के कहीं टीचर बनती, ये मेरा प्लान भी था। बट अपने दिमाग में कुछ रखें कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो मैं लाइफ में आगे क्या करूँगा या करूँगी, ये सोचना शुरू कर देना चाहिए 4th ईयर तक। ईगो पे बना के डोंट वेस्ट प्रेशियस ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आपने दोनों लाइफ देखी है, जो एक एस्पिरेंट की तरह भी लाइफ देखी और अब आप सर्विसेज में आ चुके हैं वो भी लाइफ देखिए। दोनों लाइफ को अगर कंपेयर करें, पहले उस टाइम पे लगता है ना अगर हम लोग बन गए ऑफिसर तो एकदम मज़े ही आ जाएंगे, और फिर उसके बाद की अभी की जो लाइफ है, क्या वो लाइफ रिलेटेबल आपको लग रही है उस टाइम जो सोच रहे थे? हाँ, मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि भगवान ने मुझे मौका दिया, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक टाइम तक तो मेहनत तो चाहिए ही। ऐसा नहीं है कि मेहनत के बिना एग्ज़ाम निकलेगा, मेहनत चाहिए, बट उसके अलावा लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत किया था एंड दे आर नो लेस, और वो यहाँ तक ना आ पाए। तो आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली। और उस समय क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा थी तो मन करता था कि यार सिलेक्शन होना चाहिए, और अंदर से भी मोटिवेटेड थे। कुछ गोल्स और कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग में कि एक बार अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग ये करेंगे और ये करेंगे, तो आई एम फील ग्रेटफुल कि ये मौका मिला। आप कह रहे थे कि जब आपने डिसाइड किया कि आपको पुलिसिंग में आनी है तो लोग कह रहे थे कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, तो एक क्वेश्चन जब हम बाहर से लोगों को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों के लिए क्वेश्चन होता है कि कैसे वो मैनेज कर पाते हैं घर भी और ये भी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग प्लान कर रहे हैं 2 दिन बाद कि हम डिनर पर जाएंगे फैमिली के साथ। घर वाले मैनेज करते हैं तो घर वाले मैनेज करते हैं, ये तो सच है। पुलिसिंग एक बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि लोग अगर पुलिस को तब कॉल करते हैं जब खुद पैनिक या स्ट्रेस सिचुएशन में होता है। एक्सीडेंट रात को 12 बजे हो रहा है या सुबह 5 बजे हो रहा है, आपको नहीं पता। क्राइम कब हो रही है, आपको नहीं पता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप समय में नहीं बांध सकते। अब जैसे कांवड़ यात्रा है, वो हर समय चलेगी। कुछ त्यौहार होते हैं जिनमें रात की सिग्निफिकेंस होती है, अर्ली मॉर्निंग स्नान होता है, तो कैसे आप पुलिस का समय बांधेंगे। तो ये 24/7 जॉब है और आप बेसिकली लोगों के लिए काम करते हैं। योर लाइफ इज़ फॉर पीपल, तो फैमिली ये समझती है और फैमिली को समझना पड़ता है कोई ऑप्शन नहीं है, तो दे एडजस्ट। और जब अगर नहीं हो पाता है तो ऑफ कोर्स टेंशन्स तो आती है, तो ये चीज़ें सबको हैंडल करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है। एंड इट कम्स विद धीरे धीरे। शुरू में तो फैमिली एक्सपेक्ट्स कि क्या है, एक दिन की बात है या ये है, तुम आ सकते नहीं है। बट देन धीरे धीरे दे इवन स्टॉप कॉलिंग के पता है वो नहीं आए। आप अपनी जॉब के बारे में बता रही थी, तो इस जॉब में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कई बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने। अभी तक आपको ऐसा कौन सा सिचुएशन लगा है जब आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है हैंडल करना? ऐसा टचवुड अभी तक आया नहीं, या फिर आए तो सिचुएशंस आती रहती है। मतलब हर तरह, कोई एक पर्टिकुलर मैं नहीं कह पाऊँगी, बट घर वाले जो मेरे एल्डर्स हैं या सर्विस के अंदर जो सीनियर्स हैं, तो उन लोग का गाइडेंस मिलता रहता है, तो हर सिचुएशन हो जाती है। मतलब यू कम आउट ऑफ इट। जब हम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स की बात करते हैं, तो जब उनसे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट होता है या फिर उनको पकड़ने को, तो उसमें किस तरह का प्रेशर होता है? कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर भी इन्वॉल्व होते हैं उन केसेस में। हाँ होते हैं, क्योंकि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका वो वाइट कॉलर एज द नेम एम्प्लाइज, वो लोग ऐसे समाज के सो कॉल्ड प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिनका नेक्सस होता है, उनका धंधा ही इस बात पे चलता है उनके कितने कनेक्शंस हैं, एंड वो इतना गलत काम कर ले जाते हैं, और वो सब कनेक्शंस की वजह से ही होता है। तो कोई भी, मतलब जो हमारा भी अगर कोई फ्रेंड होगा, हमें नहीं पता वो गलत है कि सही है, पता नहीं, पर हमें पता चलेगा वो तो अपना वर्जन बता रहा है, तो हम उसकी तरफ से तो कहेंगे, हम नहीं चाहेंगे उसके साथ ख़राब हो। तो ऐसे ही जब एक बड़ा नेटवर्क होता है, उसका एक आदमी होता है, तो वो हर जगह कोशिश करेगा, वो मीडिया के पास भी जाएगा कि भाई तुम उस अधिकारी के साथ उठते बैठते रहते हो, मेरी तरफ से थोड़ा सा बोल देना। तो मीडिया वाले भी कहेंगे मैम देख लेना अगर इसका हो सकता है क्या, ऐसे पॉलिटिशियंस भी कहेंगे। पर आपको करना तो वही है जो सही है, जो लीगल है और जो राइट है। अगर उसने गलत किया है तो गलत ही होगा, और उसके अंदर वंस आई थिंक, मतलब आई कैन से फॉर द स्टेट एटलीस्ट, अभी तो हो गया है मेरे को कुछ टाइम, वंस पीपल रियलाइज कि ये गलत आदमी है और वो गलत आदमी की पैरवी कर रहे हैं, दे स्टॉप कॉलिंग। जब हम पुलिस की बात करते हैं ना, तो लोगों के अंदर एक डर आ जाता है, चाहे उनकी कोई गलती नहीं हो, लेकिन जब भी हम कहते हैं ना पुलिस, तो एकदम डर जाते हैं। और हम महिलाओं को देखते हैं कि महिलाएं पुलिस स्टेशन आने से बहुत डरती हैं, चाहे वो टैबू हो, चाहे उनके घर वाले बोलते हो कि मतलब पुलिस स्टेशन जाना सही बात नहीं है। तो वो जो गैप है, जो कम्युनिकेशन है, उसको कैसे फिल किया जाए? उसके लिए एक ही तरीका है कि पुलिस विल हैव टू रीच आउट टू पीपल। ये जो आपने कहा, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अंडर ट्रेनिंग डेज से ही मैंने एक आउटरीच इनिशिएटिव चलाया था, पुलिस माई फ्रेंड, और उसका यही था कि पुलिस इज़ द बेस्टेस्ट फ्रेंड यू कैन आस्क फॉर। और हम लोग गांव-गांव जाके मीटिंग करते थे, उसमें कोशिश करते थे कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े ज़्यादा आएँ, कि वो लोग आएँ जो कभी थाने तक आ नहीं पाते, और जब वो लोग अपनी शिकायतें बताना शुरू करते हैं तो वो एंडलेस होती है। थाने पर वही व्यक्ति आता है जो थोड़ा प्रभावशाली है, जिसका थोड़ा सा रौला टाइप है ना, और या जिसको अधिकारियों से कनेक्शन बनाने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, उस तरह। पर आपको अगर सही की प्रॉब्लम्स जाननी है तो आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा। इसी का। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जब मैं अपने पहले रेगुलर चार्ज में आई तब मिशन शक्ति का फेज़ 4 शुरू हुआ था। उसके अंदर तो गाइडलाइंस में ही मैंडेटरी था कि जन चौपाल हों। अब वो जन चौपाल महिलाओं तक सीमित थी, पर हम लोग तो अपनी मीटिंग्स के अंदर सभी को इनकरेज करते थे आप लोग सब आएँ। तो जब पुलिस पहुँचने लगेगी अपना और उन्हें लोगों को लगेगा कि अरे ये पुलिस तो वैसी नहीं थी जैसे हमने सुना था। जो आप बता देना कि पुलिस का नाम सुन के ही डर लगता है। आई थिंक मैं अपने जीवन में पुलिस बनने से पहले पुलिस से कभी मिली नहीं थी। हम लोगों का कब होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता ही नहीं है और हम अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए भी जाने से कतराते हैं कि पुलिस के पचड़ों में पड़ना नहीं है। वो आई थिंक हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। अगर कोई जेन्युइन आदमी अपनी रियल प्रॉब्लम, जैसे लड़कियों के साथ मान लो छेड़छाड़ हो जाए, हम लोग अपना रास्ता बदल देंगे, हम लोग स्टॉक कर रहे हैं तो अवॉइड करेंगे, बट हम लोग रेयरली पुलिस कंप्लेन करते हैं। हमें लगता है ना ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, इसे बढ़ावा क्यों देना है। और हम लोग गलत काम करने वाले का मनोबल बढ़ाते जा रहे हैं। एक ही कारण है कि लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं पुलिस तक आने में। तो हम लोग लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं और ये पुलिस को ही करना पड़ेगा, अपने व्यवहार से, अपने आउटरीच से, जैसे वो ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करते हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। धीरे धीरे, अचानक से नहीं जाएगा, बट धीरे धीरे आई थिंक वी आर गेटिंग देयर एंड थिंग्स विल बी बेटर। ऐसा कौन सा वो एरिया है या एक पर्टिकुलर, अगर क्षेत्र की बात करें, क्योंकि वैसे तो आप लोग बहुत डाइवर्स क्षेत्र में काम करते हो, बट एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें आप जेन्युइनली है कि मुझे इसमें बहुत सारा काम करना है? यही जो आपने जो लास्ट क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन गैप फिल करना है। बाकी तो क्राइम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे तो हमें काम करना ही है, वो तो हमारा ब्रेड एंड बटर है। उसके बिना तो इस फील्ड में यू कैन नॉट सर्वाइव। बट एक जो थोड़ा स्टेप आगे लेके जाना है वो यही है कि पुलिस की इमेज बदलनी है और उसके लिए जो प्रयास हो सकता है वो करना है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ कि जो यूएस में ये नहीं होता है कि पापा बच्चे को मारने से डरते हैं क्योंकि वो थप्पड़ करेगा तो वो फ़ोन करके पुलिस को बुला लेगा पापा। दैट इज़ द काइंड ऑफ, मैं ये नहीं कह रही कि वो चाहिए हमें, काइंड ऑफ कल्चर कि बच्चे इतना कंफर्टेबल फील करें, दे शुड बी एबल टू वॉक इन टू द पुलिस थाना कि अंकल ये वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह का हम एक माहौल देना है, यही मेरी इच्छा है और इसके लिए जो बन पड़ेगा वो आप कर भी रहे हो बहुत अच्छे से, ट्राइंग। चलिए, तो ये वाला जो सेशन हमारा ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो रैपिड फायर राउंड है, जिसमें आपको बहुत क्विक आंसर देना है। मैं आपसे क्विक क्विक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको 1 वर्ड में जल्दी जल्दी मतलब आंसर करना है आपको। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है एक IPS ऑफिसर बनने का? विजिबिलिटी। एंड डिसएडवांटेज? नन। अगर आपको अपनी लीडरशिप स्टाइल को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? आई थिंक 1 वर्ड में तो करना मुश्किल होगा। आई कंसिडर माई सबॉर्डिनेट्स एज, हम लोग पुलिस में कहते भी हैं पुलिस परिवार, तो वी वर्क एज अ फैमिली फॉर एज अ टीम फॉर वन कॉमन ऑब्जेक्टिव, और इसलिए हम लोग मिल के काम करते हैं। दैट इज़ द लीडरशिप। IPS बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया? फैमिली से दूरी। आई थिंक अकेले रहना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स और वही एक चीज़ है। फैमिली इज़ बीइंग सपोर्टिव। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस कम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अगर बैलेंस करने को दिया, आपको किसी ने दिया हो, तो वो कौन सा था? वर्क इज़ नेवर गोइंग टू एंड, ऐसा सब लोग कहते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालना है। हाउएवर जब आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं तब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं या कुछ। योर वर्क बिकम्स लाइफ एंड तो मेरे साथ तो अभी वही है। आई एन्जॉयड थरली और इसलिए कभी भी ऐसा नहीं लगता कि 10 से 12 घंटा हो गया या 14 घंटा हो गया। यू लाइक डूइंग दिस, तो जितना भी टाइम। सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट आपसे कभी किसी ने, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हमारे फैमिली से या फिर कोई फ्रेंड भी अगर होते हैं सर्विसेज में तो उनको फ़ोन करके हम कहते हैं ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, तो आपसे किसी ने सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट की हो अभी तक? वियर्ड नहीं थी, बहुत ही स्वीट रिक्वेस्ट थी। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया था और उसने ये कहा था कि मुझे मोदी जी से मिलना है। इट वॉज एक्सट्रीमली स्वीट और उसका पूरा प्रार्थना पत्र था और वो कई बार मिलने शायद गया भी था, बट जैसे कि वो टूर पे रहता है या जो भी है, तो ही कुडंट रीच आउट, तो ही केम एज अ नॉर्मल एप्लीकेंट विद अ फुल एप्लीकेशन कि मोदी जी से बात करना है। तो व्हाट वी डिड वाज, हमने एक छोटा सा उसका मैसेज तो रिकॉर्ड कराया था, ट्राइड कि कैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो दैट वॉज वेरी स्वीट। आप मिले कभी प्राइम मिनिस्टर से? मिले, हम लोगों का फॉर्मल इंटरेक्शन होते हैं PM HM सब लोगों के साथ। तो मिले। आपको अगर ये सेंटेंस फिनिश करना हो तो आप किस तरह से करोगे? बीइंग इन वुमेन इन द IPS मीन्स an opportunity to set new standards. वेरी नाइस. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस पूरे सेगमेंट का कि जो एस्पिरेंट या जो लड़कियां पूरे देश में कहीं से भी जो तैयारी कर रही हैं यूपीएससी के लिए, उन्हें तैयारी क्यों करना चाहिए और तैयारी करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अगर आपको एक एडवाइस देना हो तो आप क्या एडवाइस दोगे? क्यों तो सब लोगों का सब्जेक्टिव होता है कि आप लोगों को क्यों आईपीएस बनना है, दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड. पर तैयारी करने पे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एवरी मिनट इज़ क्रूशियल. आप और इसलिए बहुत प्लान करके अपने सिलेबस को सामने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, सारी एनसीईआरटी पढ़ डाली और ये एनसीईआरटी का एग्ज़ाम नहीं है. तो बहुत ही स्मार्ट स्टडी करना है और बस हमेशा ड्रीम करना हम सब लोगों की आदत है, हम लोग सब ह्यूमंस हैं, बट उसमें ना खो के ऑब्जेक्टिवली अपनी पढ़ाई करते जाइए, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करते जाइए. ऐसे लोगों को आसपास ढूंढिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन लोगों से कंसल्ट करते रहिए और मेहनत में कोई कमी मत रखिए. एंड आई एम श्योर सक्सेस ज़रूर मिलेगी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.